नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ एरिस और एफ्रोडाइटी के बारे में। फिलहाल मैं हेफेस्टस को लेकर अलग से कोई वीडियो नहीं ला रही हूँ, क्योंकि उनके बारे में बताने लायक ज़्यादा कुछ तो है नहीं। लेकिन इस वीडियो में मैं एरिस और एफ्रोडाइटी की कहानी के साथ हेफेस्टस की कहानी भी एक्सप्लेन करूँगी। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। एरिस और एफ्रोडाइटी की कहानी ग्रीक माइथोलॉजी में जितनी भी मशहूर लव स्टोरीज हैं उनमें से एक है। तो पहले ही मैं एरिस और एफ्रोडाइटी को लेकर वीडियो ला चुकी हूँ। तो पहले हेफेस्टस के बारे में बात करते हैं। हेफेस्टस एफ्रोडाइटी के पति होने के साथ साथ गॉड ऑफ फायर भी हैं। हेफेस्टस बाकी गॉड्स के लिए हथियार बनाते थे। हेफेस्टस जब पहली बार एफ्रोडाइटी को देखा था तो वो मन ही मन उसके प्यार में पड़ गया था। हेफेस्टस ग्रीक गॉड ज्यूस और हेरा का बेटा था। अकॉर्डिंग टू द मिथ, हेफेस्टस की माँ ने उसके बदसूरत चेहरे के लिए उसको ओलंपस से निकाल दिया था। हेफेस्टस ठीक से चल भी नहीं सकता था। उनके खुद के माँ ने जब उनके साथ ऐसा बर्ताव किया तब हेफेस्टस बदला लेना चाहा। तो उन्होंने एक मैजिकल थ्रोन बनाया। हेरा ने उसकी चाल को नहीं समझ पाई और वो मुश्किल में पड़ गई। हेरा ने बहुत दुआ की उसको छुड़ाने के लिए। उसके बाद हेफेस्टस ने एक शर्त रखा। हेफेस्टस ने एफ्रोडाइटी के साथ शादी करने का शर्त रखा। ज्यूस ये शर्त मान गया और हेफेस्टस के साथ एफ्रोडाइटी का शादी दे दिया। एफ्रोडाइटी ये शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि हेफेस्टस उसके जैसा उतना खूबसूरत नहीं था। दूसरी तरफ हेफेस्टस एफ्रोडाइटी को खुश करने के लिए उसके लिए बहुत सुंदर सुंदर गहने बनाने लगे, लेकिन एफ्रोडाइटी इन सब से खुश नहीं थी। दूसरी तरफ था एरिस। एरिस दिखने में भी बहुत सुंदर था। एरिस एफ्रोडाइटी को देखते ही उसका दीवाना बन गया था। एरिस और एफ्रोडाइटी के बीच का प्यार धीरे धीरे बढ़ता रहा। हेफेस्टस सारी रात अपने वर्कशॉप में रहता था। इस समय एरिस एफ्रोडाइटी के साथ वक्त गुजारता था। एरिस अपने साथ इलेक्ट्रा नाम के एक बंदे को रखता था। जब हेलियास आसमान में आता था तो वो उन लोगों को ये बात पहुँचा देता था। ग्रीक शब्द हेलियस का अर्थ है सूरज, क्योंकि सूरज उगने के बाद हेफेस्टस अपने घर लौट आता था। सब सही से चल रहा था, लेकिन एक दिन इलेक्ट्रॉन सो जाता है और सूरज भी निकल आता है। हेफेस्टस घर आके सब देख लेता है और इलेक्ट्रॉन को मजबूर करता है सारी बात बताने के लिए। सब बात सुनकर हेफेस्टस को बहुत बुरा लगता है और वो बदला लेने का सोचता है। हेफेस्टस ने एक सोने का जाल बनाया जो आंखों से दिखाई नहीं देता। उसके बाद उन्होंने एफ्रोडाइटी को कहा कि वो बाहर जा रहा है। एरिस हेफेस्टस के हर कामों में नजर रखता था। हेफेस्टस चले जाने के बाद वो एफ्रोडाइटी से मिलने के लिए आ गया। जब वो दोनों बिस्तर में गए तो वो जाल उन पर पड़ गई। तब हेफेस्टस सारे गॉड्स को लेकर चले आए। सारे गॉड्स उन दोनों की ये हालत देखकर जोर जोर से हंसने लगे। उसके बाद उन दोनों को छुड़ाया गया। उसके बाद एरिस ने इलेक्ट्रॉन को सजा दी कि हर वक्त जब हेलियास आसमान में आएगा तो उसको गाना गाना पड़ेगा। इस घटना के बाद एरिस और एफ्रोडाइटी कभी नहीं मिले, क्योंकि उन दोनों ने रूल तोड़ा था। एफ्रोडाइटी को 7 बच्चे हुए थे। तो ये थी एरिस और एफ्रोडाइटी की कहानी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।